झूठ कपट पर बनी कांग्रेस तेरा शासन डोल रहा, जरा देख चारों ओर पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा। कांग्रेस के इस कुशासन के खिलाफ है और विशेष तौर से जो मुख्य मुद्दे हैं जिनके बारे में आम आदमी को पता है, आम आदमी परेशान है, दुखी है, अब ऐसा है अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहा है, तो इन तमाम बातों को लेकर चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नहरी पानी का मामला हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार का मामला हो, इन तमाम बातों का कर्ज माफी का मामला हो, हम कोई नकली तरीके से नहीं कर रहे। जो कांग्रेस ने पिछली सरकार बनी उस टाइम में जो वायदे किए थे उन्हीं बातों को लेकर के भी इस तरीके से आम आदमी को प्रताड़ित किया जाना, जगह जगह चोरियां, एक एक दिन में दो दो तीन तीन चोरियां, तो हालात जितने ख़राब हैं उसके खिलाफ ये जन आक्रोश रैली, तो ये तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप भी समझते हो इस बात को। इसको कोई मीडिया में आने से कोई भारत यात्रा जुड़ती नहीं है, भारत का इस तरीके से नहीं जुड़ता, ज़मीन पर काम करने से पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा में इस निकृष्ट भ्रष्टाचारी और हिंदू विरोधी सरकार, इसके खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालेगी, प्रत्येक विधानसभा के गांव और ढाणी तक जाएंगे और ये जो झूठे वादे करके जो ये सरकार बनी और जनता में आज जो जिस तरह भय का माहौल है, तो उस जनता को जागृत करके उस आक्रोश को बाहर निकाल के 2023 में इस कांग्रेस के राजस्थान से सदा सदा के लिए विदा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जन आक्रोश रैली की यात्रा शुरू हुई है, इसमें पूरे पांचों विधानसभा के रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं और इस रथ के माध्यम से हम गांव गांव ढाणी घाणी चौपाल करेंगे और लोगों के बीच में जा करके कांग्रेस की जो 4 साल की जो नीतियाँ हैं और 4 साल के अंदर जो कुशासन है और 4 साल में जिस पर भाई भतीजा भ्रष्टाचार फैलाया है और आम आदमी त्रस्त है, युवाओं के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है और किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, इन सब बातों को लेकर के हम 4 साल की कांग्रेस की नाकामियों को लेकर के जनता के बीच में जा करके लोगों के बीच में अलग जगाएंगे और 2023 में निश्चित राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत से बनेगी और 2024 में भी भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इस कांग्रेस के कुशासन के प्रति उसको उखाड़ फेंकने के लिए ये यात्रा शुरू कर रहे हैं ताकि इसमें हम 100% कामयाब होंगे। आज इस यात्रा को लेकर बहुत ही बड़ी जागृति महिलाओं के अंदर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की जो ये सरकार है इसने 4 साल में भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज, किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज राजस्थान को हर मामले में इन्होंने, बात चाहे महिलाओं की हो, बात चाहे कोई शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, बिजली की हो, हर मामले में आज राजस्थान है वो अग्रणी श्रेणी में आ चुका है, क्योंकि गहलोत जी और पायलट जी अपनी कुर्सी के लिए लड़ते लड़ते आज राजस्थान की स्थिति हो गई है। आज हनुमानगढ़ की इस पावन धरा से जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की गई है। राहुल जी जैसे ही इसको राजस्थान में लेकर भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आ रहे हैं, हम उसका जवाब ईंट से ईंट बजा करके देंगे। ना तो इस सरकार की काम करने की नीति है और ना नीयत है। झूठ कपट पर बनी कांग्रेस तेरा शासन डोल रहा, झूठ कपट पर बनी कांग्रेस तेरा शासन डोल रहा, जरा देख चारों ओर पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा, मोदी मोदी बोल रहा।